अस्सलामुअलैकुम सजनों, बेलियो, मित्रों, सहेलियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में तुम्हें जितने भी काम है ना, सारे काम छोड़ दो और वीडियो देखो। वीडियो बड़ी मजे की होने वाली है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि खबर ना हुई। तो जनाब मेहरबान कदरदान, इधर करो ध्यान, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वंस अपॉन अ टाइम यार, मैं टिकटॉक चला रहा था, पहले तो वहाँ वही हसबे रिवायत खुसरपुना ही दिख रहा था। कोई वहाँ पे बस चल फिर के अपनी जूती की रनिंग पूरी कर रहा था, कोई फुल्ली मेकअप शेकअप करके अपनी गंदी अदाएं दिखाने में मसरूफ था, और कोई अच्छू गुजर की तरह मल्टीमीडिया बदमाश बन के वीडियो बना रहा था। फिर मुझे एक वीडियो मिली, उसमें एक शय मिली जो पता नहीं क्या शय थी। ऐसा नहीं है कि वो क्रिंज कंटेंट था, और ना ही ऐसा है कि वो कोई खुसर-बुसर ऑर्गेनाइजेशन में से था, और ना ही कोई अजीबन गरीबन शदीदन बसूरन अवाम में से था। कोई फनी टाइप अजीब शय थी, वो कोई भी बात करे तो पुड़की जाता है, पुड़की जाता है, पुड़की जाता है। मैं बड़ा सोचूं कि पता नहीं क्या माजरा है, कोई भी बात इससे सुकून से होती ही नहीं है। पता नहीं इसने कोई जिंदा सांप खा लिया जिसने इसके अंदर जाकर थरथली डाली हुई है, यहाँ पता नहीं ये माइकल जैक्सन का भतीजा है, यहाँ पता नहीं सबसे मिर्चे इसने गलत जगह से खा ली है। तुम भी सोचते हो गए पता नहीं क्या मिल गया इसे। तो मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करता, मैं सीधा सीधा तुम्हें मिलवाता हूँ तड़फनी मिट्टी से। पर उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज किया है डिस्क्लेमर फ्राज। Disclaimer: This video is just for entertainment purpose, so don't take it serious. I don't want to spread hate or defame. ऐवे कीबोर्ड मजाक बनने की जरूरत नहीं है, चुप करके बैठ एंड एंजॉय द वीडियो। तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो मेनू किसी वेले कल मिल, तेरा मैं जिन कड़ा। नी मैं खादा वेल पुना छड़िया। भाई आप भी बदमाश हो। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, टिकटॉक पे ऐसे ही बदमाश पाए जाते हैं। बाकी कोई भी बदमाश हो ना, तो उनके अजीब अजीब से नाम होते हैं। अच्छो गुजर, छीदा पस्तौल, छादा बदमाश। पर इस बदमाश की जितनी सेहत है ना, इसके नाम कुछ ऐसे होने हैं। तीली सिंह चौहान, डोई बदमाश, चौधरी सूंडी, थोड़ी गुजर। वो ब्रेक पिन वाले चार्जर वर्गा तेरा यार मुंह, तेरे ते बदमाशी सजदी है भला। तेरे दुखो घर वाले तेज पखा नहीं चलांदे के किते कंधा जी ना वजे, तेनू छातो कदी कपड़े लैन नहीं भेजदे के किते चील ही ना चोके लै जे, तेज नेरी विच तेनू घरों कदी बाहर नहीं कढ़िया के किते ओडी ना जावे, डब नाल पिस्तौल लाए ते तेरी निकल डिग जांदी है। यार तू किधरों बदमाश, सेहत तेरी एदां के पिछले साल दा रोजा रखिया ते अज तक खोलिया ही नहीं, जा किते मक्खियां दे नाल पंजा लड़ा, तू किहड़े कम्मे पिया आ, एवें एदां दे ऐशकन कर करके कड़ल पवा लूं अपने आप नूं। प्लीज यार, एडा माड़ा हीरो रख लिया मैं, हां इहदे बचपन च एडा माड़ा सी। अच्छा, बचपन से बेबे नु पैंपर नहीं लाउंदी, सनी प्रास लाउंदी सी। पहले तो यार तू ये बता के इतना पुड़क क्यों रहा है, क्या मतलब कोई स्प्रिंग वगैरह तो नहीं खा लिया तूने? और तुम ये देखो कि ये बात कह कौन रहा है, जैसे खुद तो पता नहीं अंगड़ाई लेकर कमीज पाड़ देता है ना। जब ये पैदा हुआ था ना, तो इसके घर वालों ने इसे देख के डॉक्टर को ये नहीं पूछा था कि क्या हुआ है, बल्कि इसे देख के कहते एक ही हो गया। घर वाले इसके लिए एक सूट लेके आए ना, तो इसके तीन सूट बन जाते हैं। बाजार से अगर न्यू बेल्ट लेके आए ना, तो वो तीन दफा घूम के वापस आ जाती है, फिर बकसुआ लगा के गुजारा करता है। बचपन में इसके साइज के कपड़े मिलते ही नहीं थे, फिर इसे भी चेपियां लगा के गुजारा करते थे। तू मेरा मान रख ले, मेरे तो कभी ख्वाब च कुड़ी नहीं सी आउंदी, मैनूं तो जदों ख्वाब आउंदा सी बस उलट के छत्ती बंदे मर गए। ते ए गल वैसे आराम नाल भी हो सकती सी, एवें नाड़ ते नाड़ चढ़वा लूंगा या एवें कोई चीज जाया करवा लूं, तेरे नाल दे ते स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलने होण। इतना पुड़कने वाला बंदा कहीं पे काम भी नहीं कर सकता। सैलून पे काम करने गया, वहाँ पे एक बंदे की शेव कर रहा था कि इसमें वही पुड़कने वाली रूह आ गई, पुड़क पुड़क के उसकी शेव कर रहा था कि उसका कान ही उतार दिया। उसके बाद एक चाय की दुकान पे काम करने गया, वहाँ से इसे पहले दिन ही निकाल दिया। दुकानदार ने इसे चाय पकड़ाई और कहा कि उसे चाय दे के आओ। ये उसे चाय देने गया और बाजू घुमा के ये वाला स्टाइल मार के कहता हेलो भाई तुहाडी चाय, और सारी चाय उस पे गिरा दी। उसने भी फिर इसे लम्बे पा के खूब चित्र पोला गया। फिर एक दिन ये बाइक चला रहा था, बाइक भी इसी तरह पुड़क पुड़क के चला रहा था कि सामने खलौती कंध में जाकर ठहा बजा और उसी के साथ चिमट गया। फिर इसे द्वार से ऐसे उतारा जैसे बैठे की खाल उतारते हैं। मैं एक बारी अनेरी रात से कल्ला जाना खड़ा जंगल च खड़ा, इंज मैं वेखिया सामने चीता आया सीधा ही खड़ा। लो जी मैं घबराया नहीं, मैं रिमोट चुक के चैनल ही बदलता। अच्छा ही किया वैसे चैनल बदल दिया, तुझे तो बिल्ली भी उठा के ले जाती है, वो तो फिर भी जीता था। तुझे तो डरता मच्छर भी डांगनी मारता कि कहीं पल्ले ही ना पड़ जाए, मुझ पे FIR ही ना हो जाए। इस तरह के बंदे का घर रोज दूसरे दिन चिड़ियां लामा लेके आ जाती हैं कि बाजी ये हमारा सारा बाजरा खा जाता है और हम बेचारियां भुखियां मर जाती है। अच्छा
हालांकि ये बात आराम से भी हो सकती थी। ये जितना पुड़कता है ना, जब ये बात करता हो तो इसके पास कोई खड़ा नहीं होता कि कहीं आंख में ना उंगल मार दे। ये माड़ी जान एक दफा कटिंग करवाने गई, सलोन वाले ने फुवारे से पानी मारा या पीछे कंध में जाग बजा। कपड़े तेरे इदा जिदा हैंगर ते टंगे हुए, तू कि रश पा देना तेको ते भावे मलप भी ना। कुछ नहीं। अच्छा, इस वीडियो को अचानक से स्टॉप करो ना, तो प्यार सच में पागल कर देता है भाई। बहुत सुना था, आज देख भी लिया। पता नहीं कौन सा चर्स वाला सिगरेट पी लिया है कि पजी जा रहा है। चाहे किसी दरख्त में टोड़ मार के दरख्त टा दे। और इस कार्रवाई में वो पहले कम नहीं था कि ये 6 नंबर का बोधी जूड़ा भी आ गया है। इस वीडियो को ना तुम बैकग्राउंड साउंड के बगैर देखो जरा। लगता नहीं है कि कोई टूंडा अपने खारिज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पित लड़ रही हो उसे। और इससे ज्यादा ना इस वीडियो पे 9 कमेंट्स। कमीज पा ले क्यों जी? और तेरा जिस्म देख के मैंने मेरी दादी याद आ रही है, वो भी पार्टी पीजर सी। और ना कर यार, माफी दे दे, जान दे। तेरे वर्गियों की तस्वीर ना रक्षा के पीछे लगी होती, नीचे लिखा होता मर्दाना कमजोरी के शिकार हमसे रब्ता करें। मेडिकल स्टूडेंट्स का अगर प्रैक्टिकल हो ना, तो ऐसे जिस्म के बंदे को सामने बिठाया होता है कि जिसको भी शक है ना, वो खुद गिन सकता है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती है। इस जैसे बंदे के ना डॉक्टर अगर टीका लगाए ना, तो वो भी परले पासों निकल जाता है। एक होता है बॉडी बिल्डर, एक होता है बाजी बिल्डर। बॉडी बिल्डर को अगर देखो ना, तो उसके एब्स होते हैं, और इसे जहां से भी देखो कोई ना कोई एब ही नजर आ रहा है। पर जो भी था, क्रिंज नहीं था, वल्गैरिटी नहीं थी, फनी था। लिपसिंग अगर की भी तो वो भी एक अलग स्टाइल से, वरना तो टिकटॉक पे कोई ऐसे टिकटॉकर्स भी हैं जो आंखों की मस्ती को आंखों की मस्ती गा के कहते हैं हमने कंटेंट बनाया है। तो सजनों, तो बेलियो, मित्रों, तो सहेलियो, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद शदीदन आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक करो, और लाइक करके तकरीबन यार इसके 40,000 तो लाइक्स होने चाहिए ना। वीडियो को करोड़ करोड़ के लाइक करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों यारों मोहब्बतों सहेलियों से, अपनी फूफी ताई नानी चाची मामी और सब से। और मुझे यार ये बताओ कि 200K क्यों नहीं करवा रहे अभी तक? जल्दी से 200K करवाओ, फिर हम करते हैं Q&A, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा फेस रिवील कब करना है। और उसके बाद अगर अभी तक मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो नहीं किया, तो मुझे मेरी ब्रांचेस पे फॉलो भी कर लें। और अगर इस चैनल पे नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुक्रिया मोहब्बत का, चाहता करेगा आप तो शुक्रिया प्यार का, इजार का, इकरार का, आपका और आपके घर बार का। तो ये थी आज की वीडियो, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सजनों, तो बेलियो, मित्रों, तो सहेलियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्रिया मोहब्बत का, चाहतों का, रकाबतों का, शुक्रिया प्यार का, इकरार का, इजहार का, शुक्रिया आपका और आपके घर बार का। टेंटन है।